दोन ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण भारत देशात महात्मा गांधी जयंती मोठ्या उत्साहाने साजरी करण्यात येते महात्मा गांधी यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्याकरिता अनेक आंदोलन करावे लागले मोठ्या संघर्षानंतर भारत देशाला इंग्रजांच्या गुलामीतून स्वातंत्र्य मिळाले गांधीजी सत्य अहिंसाचे पुजारी होते महात्मा गांधींचा आचार विचार विद्यार्थ्यांमध्ये रुजावा याकरिता कामठी शहरातील नया बाजार परिसरातील रब्बानी हायस्कूल येथील विद्यार्थी शालेय गणवेशासोबत टोपी देखील लावतात शाळेचे मुख्याध्यापक सांगतात रब्बानी हायस्कूलची स्थापना एकोणीसशे सदतीसमध्ये झाली इंग्रजांच्या काळात स्थापन झालेल्या शाळेत आज देखील शाळेचे विद्यार्थी शालेय गणवेशासोबत गांधी टोपी लावून शाळेत येतात व शाळेची सुट्टी झाल्यानंतर ही टोपी लावून आपल्या घरी परत जातात या टोपीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिष्टाचार दिसून येतो महात्मा गांधींचे विचार विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजवावे या संकल्पनेतून गांधी टोपी गणवेश अनिवार्य ठेवण्याचे शाळा प्रशासनाने सांगितले आहे शाळेत शिकणारे विद्यार्थी देखील या गांधी टोपीचा सन्मान करतात गांधीजींच्या विचारांना आत्मसमर्पण करत त्यांच्या दाखवलेल्या मार्गदर्शनावर आणि त्यांनी दिलेले शिकवण आणि महात्मा गांधींचा सन्मान म्हणून ही टोपी घालतात तर विद्यार्थी सांगतात की हे टोपी घातल्यानंतर त्यांना अभिमान वाटतो गांधी टोपीमुळे गांधीजींच्या विचारांचा अंतर्मनाने स्वीकार करण्याची भावना यावेळी विद्यार्थी यांनी व्यक्त केली आहे कामठी शहरातील रब्बानी हायस्कूल येथील गांधी टोपीची आज देखील चलन आहे बदलत्या काळानुसार अनेक विद्यालयाचे गणवेश देखील बदलले मात्र शाळेतील पंच्याण्णव वर्षे जुनी परंपरा आज देखील कायम आहे खऱ्या अर्थाने महात्मा गांधींच्या विचारांना जिवंत ठेवण्याचे काम रब्बानी हायस्कूल शाळा प्रशासन करीत आहे असल में हमारी जो स्कूल है वो 1932 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका उस वक्त तो हमको आज़ादी नहीं मिली थी लेकिन जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे किसी भी धर्म के थे तो एक नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर ये कैप को मैं ये समझता हूँ कि ये कैप को उन्होंने कलेक्ट किया और इसमें देखा मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी दीगर दीगर जो और यानी कि फ्रीडम फाइटर जो बाद में साबित हुए वो सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये टोपी को इस्तेमाल किया है एक इंटीग्रेट करने के लिए इकट्ठे करने के लिए भी जो है हर कौम के लोगों को इकट्ठे करने के लिए भी ये टोपी का यूज़ किया गया है और ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे उसमें इंक्लूड थे इसलिए उन्होंने यही टोपी को एक नेशनल इंटीग्रेशन के नाम से स्कूल एश्कू, को आगे बढ़ाने के लिए कि नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर एक जान होती है तो इसलिए को आगे बढ़ाने के लिए वो टोपी को सेलेक्ट किया और ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है उन्होंने अपने यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म में वो टोपी को इंक्लूड कर लिया और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मजहब में या किसी के भी मज़हब में जो है टोपी को एक सम्मान दिया जाता है या एक, सम, एक अच्छा इंसान माना जाता है उसके अंदर टोपी लगाने से उसके अंदर थोड़ी सी यानी कि आजजी सारी अदब ये सब उसके अंदर झलकती है उसके अंदर लोग उसका सम्मान करते हैं तो ये सब को देखते हुए हमारे बड़ों ने ये टोपी को सेलेक्ट किया और आज तक ये टोपी चल रही है और मैं समझता हूँ ये स्कूल जब तक रहेंगी ये टोपी गांधी टोपी चलती रहेंगी हमारे बच्चे लगा के टोपी आते हैं घर से और जाते रहेंगे ये हमारे स्कूल की एक बहुत बड़ी पहचान है हम लोग गांधी टोपी स्कूल लगाकर कर आती है और हम लोग जब घर जाती है तो हम लोग के सर पर टोपी रहती है जब घर से आती है तो हम लोग के घर सर पर टोपी रहती है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये टोपी पहनते हुए हम ये याद करते कि हमने उन्हें हमारे भारत में आज़ादी दिलाने का बहुत जान और दिल से अपनी ताकत लगाई थी और उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने की कोशिश की थी उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम इतनी अच्छी उनकी टोपी पहन के आते हैं स्कूल में और हम सब एक साथ पहनती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है बीके बी न्यूज साठी काम ठीक नितिन रावेकर रिपोर्ट नागपुर इज फेमस फॉर संतरे टाइगर जीरो माइल और साउजी खाना और साउजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं साउजी मसाले जिससे बनता है ऑथेंटिक साउजी खाना मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के साउजी मसाले